बागेश्वर में शिक्षकों की मांग को लेकर अभिभावकों ने भारी रोष जताया, जहां आक्रोशित अभिभावकों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और विद्यालय में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की मांग की। बता दें कि जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सनगाड़ में शिक्षकों की कमी लंबे समय से बनी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सनगाड़ के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में यहां पर आए हुए हैं। वहां पे लगभग 120 बच्चों से ज्यादा की संख्या वहां पर बच्चों की है, लेकिन मात्र 3 शिक्षक वहां पर बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने वहां पर रखे हुए हैं। और प्रवक्ता के इंटर में प्रवक्ता के 5 पद खाली हैं, लेकिन उसमें से एक भी शिक्षक वहां पे नहीं है। प्रधानाचार्य के पोस्ट भी वहां पे खाली है और फोर्थ क्लास और लिपिक का भी पद खाली है, जहां पर हमारे गांव के बच्चों के साथ शिक्षा विभाग पूरा का पूरा खिलवाड़ कर रहा है और उनके भविष्य के साथ काफी खिलवाड़ वहां पर हो रहा है। उसी के विरोध में आज हम यहां पर आए हैं। सभी स्थानीय जनता धर्मघर से बहुत ही संख्या में आ रखे थे। उनका कहना है कि उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कई विभागों का उसमें शिकायत है। शिकायत ये है कि सबसे मेन जो उनकी है कि उनके जो राजकीय इंटर कॉलेज सनगाड़ है उसमें शिक्षक नहीं है। 3 शिक्षक हैं और गणित और विज्ञान के तो शिक्षक हैं नहीं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और भी उनके एक दो हैं कि PMGSY की जो रोड बन रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और वहाँ पे पशु सेवा केंद्र नहीं है और जो विद्युत के तार हैं उधर उधर झूल रहे हैं। तो उसमें अभी मैंने संबंधित विभाग को तत्काल उनको फोन के माध्यम से निर्देशित कर दिया है कि तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करें। दरअसल कक्षा 6 से 12 तक संचालित इस विद्यालय में मात्र 3 अध्यापक हैं, जबकि हिंदी, गणित, विज्ञान, कला विषयों के शिक्षक नहीं होने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। वहीं अभिभावकों ने जल्द मांग पूरी न होने पर जिला अधिकारी कार्यालय में अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।